मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर गुरुवार को 29 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 33,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान सभी श्रमिकों को ट्रेन से उतारने के बाद एक एक मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके उनका नाम पता नोट किया गया। उसके बाद उनको लंच पैकेट, फल, बिस्किट, पानी की बोतल दिया गया। उसके बाद श्रमिकों को उनके जिले की बसों में बैठाकर उनके गंतव्य को रवाना किया गया। ट्रेनों के लिए 3 प्लेटफॉर्मों को निर्धारित किया गया है। यह निर्धारित प्लेटफॉर्म 1, 2 और 9 नंबर है। तीनों प्लेटफॉर्म पर श्रमिकों के जांच के लिए विभिन्न काउंटर बनाए गए हैं और श्रमिकों को विभिन्न जिलों में भेजने के लिए 211 बसों को लगाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे 29 ट्रेनें शेड्यूल्ड हैं, जिसमें से अभी तक 11 ट्रेनें आ चुकी हैं। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से एक डब्बे में 50 से 55 के हिसाब से बैठकर आ रहे हैं। स्टेशन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उन्हें गोलों में खड़े करके टेबल तक ले जाया जाता है, जहां पर उनका डिटेल नोट किया जाता है। इसके बाद उन्हें फूड पैकेट है, वाटर बॉटल है, बिस्किट्स हैं, ये उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर इसके बाद उन्हें बसों में 25 के एवरेज से बैठा कर उनके जनपदों को रवाना किया जा रहा है। सर, स्टेशन पर किन किन जनपदों पर यात्री आ रहे हैं? इन
यहाँ पर कई जनपदों के, गोरखपुर मंडल के अलावा बस्ती मंडल हैं, आजमगढ़ मंडल हैं, इलाहाबाद मंडल हैं, और इधर सहारनपुर मेरठ मंडल हैं, लखनऊ फैज़ाबाद, ये इस तरह कानपुर मंडल, कई डिस्ट्रिक्ट्स के लोग आते हैं और वो विभिन्न बसों से वहाँ पर भेजे जाते हैं। सर कितने बसों को लगाया गया? इस समय 211 बसें हमारे पास रिजर्व में हैं और सभी प्लेटफॉर्म पर 50 से 55 के हिसाब से लगा भी रखी हैं।